ठाकर साहब 10 साल सेवा की वांखे के लोगों की, हुण 9 उम्मीदवार खड़े हो गए, किदां दी चुनी? सिंध मेले में भी मैं एक अनाउंसमेंट की इन्हों जे सरपंच खड़े हुए है, मैं जोड़ा भी जेतू सरपंच आता कृपा करके जड़ी अं चीज़ा बनाई है उसकी सांभ संभाल कर ले, इन्ना ही बड़ा कि चीज़ा बनाती। देखो जी, सर्वसंमति नाल तो इतने बनता कोई नहीं, जिदा भी भांत भांत की लकड़ कट्ठी हुई थी साढ़े अवंखा में 15,000 की आबादी है, लेकिन 2 कलोनियां होर बन गई हैं जिदे कारण यह सर्वसंमति बनती नहीं किसी हालत में। एक अहम पिंड जिहड़ा अवंखा जिहड़ा मन्निया जांदा दीनानगर साहब, काफ़ी प्रसिद्ध पिंड है और नामी पिंड है, जिते कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी भी जिहड़े इत्थों दे मतलब जद्दी पिंड है अशोक चौधरी उन्हां दा भी, और वड्डा पिंड भी मन्निया जांदा 15,000 प्लस आबादी वाला पिंड, लेकिन 9 सरपंच खड़े हो जाने कितने ना कितने लगता नहीं है कि लोगों को जिहड़ा किसी चीज़ की जरूरत सी जिहड़ी तुसीं 10 सालां दे विच नहीं दे पाए। देखो जी, मैं तो जिहड़े काम करता ही ना वो करते रहना, जे मैं लोगों की सोशल सर्विस करता ही वो मैं हाले भी लोगों को खुले ऑफर है मेरी, तो जिहड़ा काम मेरे तो जिहड़ा मेरे करने वाला मैं करांगा लोगों की भलाई लई, मैं वो पहले भी करता है तो हुण भी करता, कोई सरपंच की मैनू इन्नी लोड़ नहीं ना मैं सरपंच बनना चाहना। सत श्रीकाल, KRT नैटवर्क नाल तुसी जुड़ चुके हो ते मैं हाँ राजेश आलूना, नवें तो नवें मुद्दों के नाल और नवें तो नवें चेहरों के नाल तुहानू रूबरू करवाते रहने अपने चैनल के माध्यम राही। दीनानगर का एक अहम पिंड अवंखा, जिथे सियासत जिहड़ी है हमेशा ही भखी रहिंदी है, गल MP इलैक्शन की होवे, गल MLA इलैक्शन की होवे, गल सरपंची की होवे, यह पिंड हमेशा ही जिहड़ा चर्चावां दे विच रहिंदा। 9 उम्मीदवारां वल्लों जिहड़ा अपने नामजद जिहड़े पत्र ने फड़े गए ने, 10 साल तो इत्थे गीता ठाकुर जिहड़े ने उह सरपंच रहे ने, उन्हां दे घर वाले यशपाल ठाकुर जी साडे नाल मौजूद है, गलबात कर लैंदे हां कि किदां देखदे इस पिंड की सियासत नूं। दसना यह भी मुनाफी समझदा कि रिजर्व जिहड़ी सीट सी इस बार जिहड़ी SC सीट हो चुकी है, गलबात कर लैंदे हां उन्हां दे विषय ते की कहना। सर पहला तां स्वागत करदे ठाकुर साहब। पहले तो मैं धन्यवाद करना जी लूणा जी तुहाडा, RTI न्यूज़ वालिआं दा जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, जिहड़ा तुसीं साडे अवंखे च आए हो साडी इंटरव्यू लैण लगे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकर साहब 10 साल सेवा की अवंखे के लोगों की, हुण 9 उम्मीदवार खड़े हो गए, किदां दी चुनौती है? देखो जी, यह तो सरपंची तो सारे एक लालच जिहा पै गया लोगों को भी मैं पता नहीं सरपंची च की रखिया, तो यह मैं यो कहना चाहना भी जो बंदे वैसे उठ के जिहड़े खड़े हो गए, एक कैंडिडेट चाहिए पढ़िया लिखिया ग्रैजुएट होए, गल करन दी सूझबूझ होए, जिहड़ा SHO ना अखां च अखां पा के गल करे, तहसीलदार ना गल करे, काम लोगों के कराए, वो चाहिए। 15,000 की आबादी है साढ़े पिंड की, जेडे 15,000 सामना बड़ा वड्डा पिंड है, तो यह जेडे कहते हरे सरपंची इदा ही होए ने, सानू पता ही किदां कीती सरपंची, इस कारण जो भी काम होए है जेडे अहीं कीते है बस उन्हां दी। मैं एक तुहानू मैं दसना चाहना, सिंध मेले में भी मैं एक अनाउंसमेंट की इन्हों जे सरपंच खड़े हुए है, मैं जोड़ा भी जेतू सरपंच आता कृपा करके जड़ी अं चीज़ा बनाई है उसकी सांभ संभाल कर ले, इन्ना ही बड़ा कि चीज़ा बनाती हैं जी। देखो जी, एक तो तुहानू पता भी 3 एकड़ की ग्राउंड बनाई है जिहड़ी लोगों को जिहड़ी खोती पैली जिदा भी लोगों को चलो खोनी की है जिहड़ी बचत ही जिहड़ी बचत ही पैली वह लैके उहदे विच असी ग्राउंड बच्चों वास्ते ग्राउंड बना दित्ती है, जिहदे विच सैर सपाटा करन भी वृद्ध अवस्था विच जिहड़े लोग है वृद्ध वो आते हैं सैर करते हैं एक्सरसाइज करते हैं, उहदे नाल तुहानूं दस्सिए जी अजकल जिहड़ा रामा रेती का प्रोग्राम होया उहदे कर इन्ना प्रोग्राम वधिया होया कि उत्थे छोटा वृंदावन बन गया, इह वधिया प्रोग्राम होया उत्थे, इस कारण लोग भी मनदे भी इह जिहड़ा बन गया। उहदे बाद मैं 4 चौंक बनाए जी, ते 2 आंगनवाड़ी सेंटर बनाए, जिहड़े कि आंगनवाड़ी सेंटर एक नहीं, ते उह बनाए अपने एक जिहड़े रस्ते सड़कां ते चलो आम बंदी लोगों ने जिहड़ी मेन बनाई है, धर्मशाला 2 बनाई है, एक कलोनी च बनाई है ते एक परले महल्ले बनाई है, जिहने पिपल लगे बनाई है, धर्मशाला बनाई है, ते पंचायत घर बनाया जिहड़ा तुसीं देख के आंदे हो रोज़ लागो लंघदे हो,
पंचायत घर बन गया ते 600 फ्लैश ही बनाई है रोज अनाउंसमेंट कराते ही कि कोई भी आदमी जरा ना बाहर ना जाए सिर्फ अपने घर सानू दसे आण के अं फ्लैश बना गए ये जो जायद बच्चे 600 अं फ्लैश बनाती है लोगों वास्ते जे बहर ना जा महाराणा प्रताप ग्राउंड के नाल नाल अं एक छप्पड़ का निर्माण किया जो बड़ा वधिया छप्पड़ बनाया थापड़ मॉडल बनाया उहदे बाद अं सरोवर एक बनाया जड़ा स्तोतियां दे लागे काफ़ी पंचायती जगह बच्चे बनाया एक 1 एकड़ च सरोवर चारों पासे पक्का कर दिता सरोवर लाइटा लगाने वाली रह गई ही वह नहीं लगियां हाले बाकी ये सोलर सिस्टम भी लाता थापड़ मॉडल से जड़ा भी लोगों सिंचाई लिए पानी देगा तो 4 चौंक अं बनाते हैं टोटली चीजा बन गई जो बननी चाहिए सरपंच साहब एक अपने ठाकर साहब मैं एक गल पूछना चाहना 9 उम्मीदवार खड़ गए ने बिच कई उम्मीदवार इदा दे कि जेडे मतलब कोई सेवा मुक्त होया जां कोई अपना निजी काम करता है उन्होंने की सुनेहा देना चाहते हो जेडे 9 उम्मीदवार खड़ गए एक उम्मीदवार ना साडी गल भी हो कहिंदा कि मैं सर्वसम्मति दा जेड़ा इन्हां नूं एक मतलब भेंट भी किया कि सर्वसम्मति दे नाल एक बंदे नूं चुन लिता जाए पर मेरी गल नहीं सुनी गई मजबूरन मैनूं लोकां दी सेवा दे लई जेड़ा उह फाइल भरनी पई देखो जी सर्वसम्मति नाल ते इत्थे बंदा कोई नहीं जिद्दां दे भांत भांत दी लकड़ कट्ठी हुई साडे अवंखा विच 15,000 दी आबादी है लेकिन 2 कलोनियां होर बन गईआं जिहदे कारण इह सर्वसम्मति बनदी नहीं किसे हालत विच सर्वसम्मति बनती मैं कहना भी फिर भी मैं बेनती जिहड़े सरपंच आए है जिहड़े आए अपने मोहतबार जिहड़े बनना चाहते हैं फिर भी उन्होंने मैं बेनती करना कि वह वधिया काम करन जिहड़े मेरे तो नहीं हो सके काम वह करन चंगे काम लोगों विच ना करन एक दुश्मनी ना कटन सारे का एको तरफे एक नज़र ना देख सारे कुछ लोग इदा के भी ने जो बड़े करीबी रहे ना, लेकिन वह भी हम ओपोजिट के जाके खड़े हो गए सरपंच इलैक्शन ज मैंबरी च लगा दी बारे की कहना चाहते देखो जी ए तो गल गलत उनका मुल नहीं पैंदा जेडे लोग इदा के करते हैं एक पार्टी छड़ के दूजी पार्टी दूजी छड़ के तीजी ए तो एवं जाने के है ना कोई बंदे थोड़े होंगे है कोई गल ही नहीं यहो जी बंद जेडे ना ही विश्वास बनता ना ही कित जगे रेंदे है अज इधर है तो कल उधर है इन्हों का कोई मुल नहीं जी एक अहम पिंड जरा वंखा जरा मनिया जाता दीनानगर का काफ़ी प्रसिद्ध पिंड है और नामी पिंड है जिते कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी भी जिहड़े इत्थों दे मतलब जद्दी पिंड है अशोक चौधरी उन्हां दा भी और वड्डा पिंड भी मनिया जाता 15,000 प्लस आबादी वाला पिंड है लेकिन 9 सरपंच खड़े हो जाने कितें ना कि लगता नहीं है कि लोगों नूं जिहड़ा किसी चीज़ की जरूरत सी जिहड़ी तुसीं 10 सालों दे विच नहीं दे पाए नहीं जी ए तो अभी इन्होंने लोगों को लालच पै गया किसम का पता नहीं की है सरपंची देखो मैं तुम्हें एक स्पष्ट कर देना चाहना कि मैं नौकरी पिछों जो रिटायर होया ना मैं ऐ लगता मेरी दुश्मनी कोई नहीं सारे सज्जना सारे प्यार करने वाले महकमे मैं हैल्थ डिपार्टमेंट चो रिटायर होया स्टूडेंट मैं हर आदमी देखता भी मैं दुश्मनी है नहीं कोई किसी ने दुश्मन है ही नहीं जो मैं पंचायत च बढ़ गया कम किए लोगों के ते बस ऐसे दुश्मनी लभन लगे मैं दुश्मनी पै गई सारी हुण 10 साल सरपंची की है हुण सीट भी ऐसी हो गई है हुण मैं पंजाबी च कहां ते वेले हो गए बह गए हुण की करोगे नहीं जी वेले नहीं होंदे आदमी देखो जिंदगी च ना भगवान पहले नौकरी मिली है उहदे बाद सानू सरपंच दा उहदे देहड़े कोई कर्मा दे मुताबक देखो इह कर्मा नाल मिलदी सीटां जिहड़ा भी कर्म चंगे होणगे उहनूं सरपंच मिल जाएगी उहदे बाद मैं जी होर पार्टी नाल इक जुड़ गया रब दे नां नाल मैं माला पहन ली है मैं रामा रीति नाल जुड़ गया हुण मैं चलो ऐ करन जो भी नवे जिहड़े मुड़े आए है जिहड़े भी है चंगे काम करन मैं तां इहो कहना मैनूं दुआ मेरी भी वधिया काम करके दसन पिंड नूं चंगा नीण एक वधिया पिंड देण किसे नूं जिद्दां भी मेरी एक ही ना भी मैं एक चंगा पिंड देवां इहनूं ते उह मैं दित्ता पिंड वधिया बनाया मैं मान लो कोई नौजवान जां कोई जिहड़े 9 सरपंच 8-9 दे विच जिहड़े खड़े ने उहनां विचों कोई सरपंच बन जांदा है ते तुहाडी किते किसे नूं लोड़ पैंदी है तुसीं पिंड दे लई की करोगे देखो जी मैं ते जिहड़े काम करदा ही ना उह करदे रहिणा जे मैं लोकां दी सोशल सर्विस करदा ही उह मैं हाले भी लोकां नूं खुल्ले ऑफर है मेरी ते जिहड़ा काम मेरे तों जिहड़ा मेरे करन वाला मैं करांगा लोकां दी भलाई लई मैं वह पहले भी करता है तो हूँ भी करता कोई सरपंची की मैं इन्नी लोड़ नहीं ना मैं सरपंच बनना चाहना तो वो मैं काम करा गाँव चंगे काम करा देखो जेड़ा बंदा सरपंच बनता ना एक मैं गल कह देना चाहना कहते ना कि कम से कम 1 एकड़ जी जगह ना वो रख देनी चाहिए लोगों के वास्ते जो मर्जी कर पट्ठे बढ़ जो बड़ा कुछ
बंदे नूं सोचने पैंदा भी चल यार चलन दे ऐ कम नूं, पर ऐ तां मैनूं कोई लगदा नहीं वी सरपंची ऐ लालच ना जिदा सारे खड़े हो गए मैं भी बन जाना वो कोई चंगी गल नहीं। ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਫੇਸ ਦੇਖਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਗੀਤਾ ਠਾਕੁਰ 10 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਂਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਚੌਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਲੱਭਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਂਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸਮ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬਈ ਨਾ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਦਰਦ ਤੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਭਾਵਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ, ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਬਸ। 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਨਰਵਸ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਟਪਕੇ ਦਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਂਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਨੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ਪਰਾਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਪਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚੀ ਜੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਂਖਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੰਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਨੀ ਦੇਖਦਾ, ਰਾਤ ਨੀ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਛੱਪੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਲੂਣਾ, KRT News, ਦੀਨਾਨਗਰ।